सिद्धार्थनगर जनपद के बासी तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां दर्जनों फरियादियों की फरियाद को जिलाधिकारी ने सुना। जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, क्षेत्रीय विधायक जय प्रताप सिंह के नेतृत्व में बासी तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। ये अपनी अपनी फरियाद लेकर फरियादी पहुंचे, उनके निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने सुना और संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को निर्देशित किया। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी जिले के आलाधिकारी और उप जिलाधिकारी बासी प्रमोद कुमार, तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, पुलिस क्षेत्राधिकारी देवी गुलाम आदि लोग मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब तक कुल 25 मामले मौके पर आए, उनको सुनकर एक मामले का निस्तारण किया गया। शेष दो मामलों के निस्तारण के लिए टीम गई हुई है, बाकी के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। आज के तहसील दिवस में कुल 25 मामले आए थे, जिसमें से तीन मामलों में हमने यहाँ से मौके पर निस्तारित करने के लिए यहाँ से टीम बनाकर भेज दिया तथा एक मामला जो है वो यहीं पर निस्तारित कर दिया गया। सर, जैसे इस समय कड़ाके की ठंड चल रही है नगर पालिका में, तो नगर पालिका द्वारा अलाव का व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन वही ग्राम पंचायतों में अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों में लोग बोला जला करके ताप रहे हैं, वहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। जनरली जो ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान द्वारा ऐसी कोई सामूहिक जगह होता है जहाँ पे व्यवस्था कराई जाती है, और सामान्य तौर पे जो गाँव में अपने घरों में लोग करने की आदत है तो उसी तरह से कर रहे हैं। कोई कॉमन प्लेस होगा वहाँ पे ग्राम प्रधानों को जरूर निर्देशित किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।